हे फूडीज, मैकडी जैसा बर्गर घर में बनाना चाहते हैं, नहीं बन पाता क्योंकि टिक्की नहीं बन पाती। तो आप क्या करिए, एक सिंपल सी आलू की टिक्की बनाइए और उसको डिप करिए मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में, और रब लीजिए कॉर्नफ्लेक्स। इसको चूरा कर लीजिए मिक्सी में, नहीं केवल हाथ से, और इसको इससे कोट कर लीजिए। रख दीजिए इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में, और फिर कर लीजिए इसको डीप फ्राई या फिर मेरी तरह शैलो फ्राई। अब क्या करना है, अब हमें बनाना है बर्गर। तो इसके लिए हमें लेना है बन, आप कोई भी ले सकते हो, बीच में से कट वाला, या फिर कोई फुल बर्गर भी ले सकते हो। आप टिक्की के साइड जरूर से किएगा मेरी तरह, नहीं तो साइड से फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो बर्गर को भी मैंने तवे पे सेक लिया, और इसके एक साइड पे लगाइए आप टमाटो केचप और तंदूरी मायो, और उसके साथ जो भी आपके पास सैलेड वाली चीज़ें हो, टमाटो अनियन और भी कोई भी वेजिटेबल या सैलेड लीव्स हो, और उसके ऊपर भी आप तंदूरी मेयोनीज लगाइए, और लगाइए कुछ टमाटो के पीसेस, और लगाइए चीज। मैंने यहाँ पे डाइस चीज यूज किया, आप चाहे तो स्लाइस यूज कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए कवर करके रखिए, हमारा तवा बर्गर एकदम रेडी है मेल्टेड चीज के साथ में, बिल्कुल मैगी जैसा बर्गर आप घर में बना पाएंगे।